टोक्यो ओलंपिक में भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मेडल की ओर एक और कदम बढ़ा दिया है। पीवी सिंधु ने आज ग्रुप जे के अपने दूसरे मैच में हांगकांग की खिलाड़ी एनवाई चुन के खिलाफ सीधे गेम में 21-9, 21-16 के अंतर से जीत दर्ज की। इस आसान जीत के साथ ही सिंधु प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने में कामयाब हो गई है। पीवी सिंधु ने शुरुआत से ही इस मैच में अपना दबदबा बनाए रखा। उनके ताकतवर स्मैश का हांगकांग की खिलाड़ी के पास कोई जवाब नहीं था। सिंधु ने 21-9 के अंतर से महज 15 मिनट में आसानी से पहला गेम अपने नाम कर लिया। दूसरे गेम में एनवाई चुंग ने थोड़ा संघर्ष दिखाया और एक समय को 12-11 तक ले आए, लेकिन अंत में सिंधु के कौशल और शानदार खेल का उनके पास कोई जवाब नहीं था। सिंधु ने 21-16 से दूसरा गेम और मैच अपने नाम कर नॉकआउट स्टेज में जगह बना ली। प्री क्वार्टर फाइनल में उनका मुकाबला मिया ब्लिकफेट से हो सकता है। रियो ओलंपिक की सिल्वर मेडलिस्ट सिंधु ने महिला सिंगल्स में ग्रुप जे के अपने पहले मैच में इजराइल की केसेनिया पोलिकार्पोवा को महज 28 मिनट में ही 21-7, 21-10 से मात दी थी। इस बार पूरे देश को उनसे गोल्ड लाने की उम्मीद है। बता दें कि ओलंपिक के बैडमिंटन इवेंट में सिल्वर मेडल जीतने वाली पीवी सिंधु देश की एकमात्र महिला खिलाड़ी है। उन्होंने 2016 के रियो ओलंपिक खेलों में महिला सिंगल्स इवेंट में ये उपलब्धि हासिल की थी। इतना ही नहीं, वह विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में 5 पदक जीतने वाली दुनिया की दूसरी खिलाड़ी भी हैं। टोक्यो ओलंपिक में भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी